एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अभी आप लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अच्छे से होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का न्यू चैप्टर लेकर के आया हूँ और उस न्यू चैप्टर में मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाने की कोशिश करूँगा। टेंस के बारे में बताऊँगा, टेंस क्या है और टेंस के माध्यम से आप लोगों को कई तरह के ट्रांसलेशन बनाने के बारे में सिखाया जाएगा। लेकिन टेंस को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा टेंस में आने वाले जो सेंटेंसेस हैं और उस सेंटेंस के जो फॉर्म है उससे परिचित करा दूँ। ऐसे तो आप लोग सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के कितने काइंड्स हैं उसके बारे में मेरे वीडियो में पढ़ चुके होंगे सेंटेंस क्या है। लेकिन जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि ट्रांसलेशन के जो फॉर्म होते हैं उस फॉर्म के अनुसार ट्रांसलेट करने में कई प्रकार के स्टूडेंट को कठिनाई फील होती है और उसी कठिनाई को समाधान लेकर के मैं इस वीडियो में आज आया हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप लोगों को सेंटेंस के फॉर्म के बारे में बता दूँ कि कितने फॉर्म होते हैं और उसे ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक है मेरा वो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाने के कुछ मेथड आपको सिखाने वाला हूँ, कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। तो आइए जानते हैं ये जो आज मैं आप लोगों के बीच पढ़ाने वाला हूँ वो हर तरह के सेंटेंस पर लागू होगा और मेनली जो है फॉर्म ऑफ सेंटेंस में आप पढ़े हैं, जानते भी हैं कि सेंटेंस के 6 फॉर्म होते हैं। देयर आर 6 फॉर्म ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 6 फॉर्म होते हैं जिसमें से फर्स्ट जो फॉर्म है उसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो 6 फॉर्म को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और कैसे हम पहचानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसका ट्रांसलेशन बनाने का क्या तौर तरीका होगा वो जनरली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट में है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें जो कॉमन बातें हैं उन कॉमन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। कहता क्या है कि इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इस हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा थोड़ी सी डिटेल से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ सब्जेक्ट को भी सपोर्ट करता है तो ऐसे वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और आप एग्जांपल के रूप में अगर समझना चाहेंगे तो इज एम आर वाज वेयर हैव हैज शैल विल डू डज डिड, इतने ये सभी जो हमने अभी नाम लिया है ये सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस को पहचानने का सरल तरीका है। कैसे पहचानेंगे? तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद कोई अदर वर्ड है तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में समझते हैं। और उसका जो कॉमन स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर सभी टेंसेस में लागू होंगे। मैं आपको फिर जब टेंस पढ़ाऊंगा तो उस टेंस में वन बाय वन करके स्ट्रक्चर दूंगा तो उन्हीं स्ट्रक्चर पर ये अप्लाई किया जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर इज एम आर होगा, कब डू डज होगा, कब वाज वेयर होगा, कब शैल विल होगा। तो ये जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और इसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं, आप लैंग्वेज से भी समझ सकते हैं और उसका हमने जो लैंग्वेज लिखा है उसका एक स्ट्रक्चर भी दिया है और उस पर आधारित हमने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं। जैसे देख सकते हैं ही इज अ ब्रेव बॉय, ही इज अ ब्रेव बॉय में, ही इज अ ब्रेव बॉय में आप देख सकते हैं पहले सब्जेक्ट है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज है और इसके बाद अदर वर्ड है, तो इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल भी देख सकते हैं आई हैव डन माय वर्क, आई हैव डन माय वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हैव है, हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब सेकंड हमारा सेंटेंस का जो सेकंड फॉर्म है उसका नाम है अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे बनाते हैं? तो इस प्रकार के सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और इसके बाद नॉट यूज करते हैं। यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आमतौर पर जो स्टूडेंट होते हैं, मैंने महसूस किया है कि नॉर्मल जो स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश ग्रामर थोड़ी सी वीक है, वो अक्सर इसी प्रकार के ट्रांसलेशन में फंस जाते हैं कि नॉट हम यूज़ कब करें, निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट कब कहाँ लिखें, ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ लिखें, नॉट कहाँ लिखें। तो इसीलिए हमने ये छोटी सी टॉपिक लेकर के आया हूँ और बताने की कोशिश किया हूँ कि जब सेंटेंस अफर्मेटिव और निगेटिव में रहेगा तो सब्जेक्ट यूज़ करने के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और इसके बाद नॉट लिखते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के सेंटेंस हो। जैसा भी सेंटेंस हो, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव अगर है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद नॉट लगाएंगे। कुछ कुछ सेंटेंसेज ऐसे हैं जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अप्लाई नहीं होती है। अब जैसे आप ले लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने यहाँ स्ट्रक्चर लिख दिया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज नहीं होते हैं। तो कुछ कुछ सेंटेंस पर ये नियम अप्लाई नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम सेंटेंसेज ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्ट के बाद एक्जुलरी वर्ब आते हैं। हालांकि जैसे ही सेंटेंस निगेटिव में आता है तो सेंटेंस निगेटिव में आने के बाद हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर आ जाते हैं, डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम समझे तो, पास्ट इंडेफिनिट में समझे तो डिड भी आ जाता है, इसके बाद हम नोट अप्लाई करते हैं। इसके बाद एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे ही इज नॉट अ ब्रेव बॉय, ही इज नॉट अ ब्रेव बॉय में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सेंटेंस, वह एक बहादुर लड़का नहीं है, या वह बहादुर नहीं है, बहादुर लड़का नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद नॉट अप्लाई हुआ है, इसके बाद अदर वर्ड हमने यूज किया है। इसके बाद है आई हैव नॉट डन माई वर्क, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हमने नॉट यूज किया है। अब ये हमारा तीसरा फॉर्म आता है सेंटेंस के, तीसरे फॉर्म जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, सबसे पहले मैं बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कैसे समझेंगे। तो हिंदी में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड वाले सेंटेंस में, और कंफ्यूजन इस बात की हो जाती है जैसे व्हाट मींस क्या होता है स्टूडेंट याद किए हुए रहते हैं, और जैसे ही किसी सेंटेंस में, सेंटेंस के आरंभ में देखते हैं कि क्या लगा हुआ है तो उसे व्हाट लगा करके बनाना शुरू कर देते, जैसे क्या वह पागल है तो इसमें व्हाट स्टूडेंट लगा करके बनाना शुरू कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसी गलतियाँ करते हैं, तो इसे ऐसी गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि उनसे सेंटेंस की आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है, वो सेंटेंस को पहचान ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहचानने की तरीका बताऊंगा कि सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब कभी भी ट्रांसलेशन, जो हिंदी ट्रांसलेशन होंगे, उसके आरंभ में क्या लगा हुआ है, क्या, तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, और क्या लगा हुआ है और उसमें निगेटिव यानी नहीं भी लगा हुआ है तो उस तरह के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि आप सेंटेंस जब हमने पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक WH और एक यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं वही इंट्रोगेटिव फॉर्म में यहाँ पर होते हैं, और उसकी पहचान है कि आरंभ में क्या लगे हुए रहेंगे। जब क्या लगे हुए रहेंगे तो वहाँ ट्रांसलेशन जब बनाया जाता है तो क्या के अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, जैसे क्या तुम पागल हो, क्या तुम समझ रहे हो, क्या वह बाजार जाती है, क्या वे लोग समय पर पढ़ने जाते हैं, क्या तुम समय पर स्कूल जाते हो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें क्या का वर्ड मीनिंग नहीं लिखते हैं, और इसीलिए जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले की जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, आइए देख लेते हैं। कहता है इस प्रकार के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, या डू डज लिखें, या इज एम आर लिखें, या हैव हैज लिखें, या शैल विल लिखें। जिस प्रकार का सेंटेंस होगा उसके रूल के अनुसार आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होंगे उसे सबसे पहले लिखते हैं, और इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, लिखा हुआ है इसके बाद सब्जेक्ट। यहाँ स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वो डब्ल्यू यूज करते हैं, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन जरूर देंगे।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहता है इज ही अ ब्रेव बॉय। इज देखिए यहाँ पर इज लिखा हुआ है, ये जो इज है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद ही क्या है, सब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आया ना, इसलिए हम इसे कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्या। यहाँ पर इज जैसे ही हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, तो हिंदी मीनिंग जब करेंगे ट्रांसलेट तो क्या यूज करेंगे, क्या वह बहादुर लड़का है, क्या वह बहादुर लड़का है, क्या यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, क्या आपने नाश्ता कर लिया है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, इसलिए हैव लगा हुआ है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। या ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के लिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट, इस प्रकार के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखा लिखा जाता है और इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और तब नॉट लगाते हैं। अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस कर जाते हैं कि नॉट लगाए कहाँ, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों है तो गड़बड़ा जाते हैं। कुछ स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं क्योंकि उनको अफर्मेटिव प्लस निगेटिव में आदत रहती है कि अफर्मेटिव के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस जैसे ही होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद सब्जेक्ट और तब नॉट यूज करते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, इज ही नॉट अ ब्रेव बॉय, हिंदी होगा क्या वह बहादुर लड़का नहीं है। क्या यहाँ पर क्या हिंदी होंगे, यहाँ पर हैव यू नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, क्या आपने नाश्ता नहीं किया है। ये हर तरह के सेंटेंस में लागू होगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पर ये नियम, कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रहेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद नॉट लिखेंगे। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म की ओर। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है सेंटेंस का, जिसका नाम है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन में आप पढ़े हैं डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू सेंटेंस में पढ़े थे डब्ल्यू एच वर्ड के बारे में। तो बहुत सारे डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं, हाउ वेन हाउ हु व्हाट, ये सभी जितने भी हैं, हाउ मैनी हाउ मच हाउ बिग हाउ डीप हाउ ऑफन, हमने बहुत तरह के डब्ल्यू एच वर्ड्स पढ़ाए थे। उन सारे डब्ल्यू एच वर्ड्स यूज किए जाते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन के सेंटेंस में। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले जब सेंटेंस आते हैं ट्रांसलेशन में, तो उसका ट्रांसलेशन जब हम बनाते हैं तो कहता है क्या, इस प्रकार के सेंटेंस में सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखा जाता है। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखते हैं और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। याद रखना होगा कि डब्ल्यू एच वर्ड लिखने के बाद उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। अक्सर स्टूडेंट इसमें मिसिंग करते हैं कि डब्ल्यू एच वर्ड लिखते हैं और इसके बाद सब्जेक्ट अप्लाई कर देते हैं तब हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो ऐसी गलती अब से आप नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद सब्जेक्ट अप्लाई करते हैं। हाँ, कुछ कुछ केसेस में कुछ सेंटेंस कंडीशन ऐसे आते हैं जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड के बाद तुरंत जो है सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। जैसे उसमें से एक डब्ल्यू एच वर्ड है हु, हु ऐसा डब्ल्यू एच वर्ड है जिसके बाद कुछ कुछ कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब नहीं आते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस अगर है हु से जुड़ा हुआ, या पास्ट इंडेफिनिट में, तो हु के बाद जो है आ जाता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हु के बाद वर्ब आ जाता है, सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए ही हु का प्रयोग करते हैं, इसमें हु के बाद वर्ब अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब ही अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हाउ इज ही अ ब्रेव बॉय, वह कैसे एक बहादुर लड़का है, या वह बहादुर लड़का कैसे है। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पर हाउ आया है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है और इसके बाद सब्जेक्ट आया है। सेकेंड एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, वेन हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, वेन हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, कह रहा है कि आप नाश्ता कब किए हैं या आप नाश्ता कब कर चुके हैं। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, मैं आपको टेंस जब स्टार्ट करूंगा तो उसमें इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डब्ल्यू एच वर्ड है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है।
उम्मीद है आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। हमारा लास्ट जो फॉर्म है सेंटेंस का, सिक्स्थ फॉर्म जिसका नाम है WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। सिक्स जो फॉर्म है सेंटेंस का, इसका नाम है WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी WH वर्ड भी होंगे और उसमें नेगेटिव वर्ड भी होंगे। तो WH वर्ड भी होंगे और नेगेटिव वर्ड भी होंगे, तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए ट्रांसलेशन कैसे बनाए जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड यूज करेंगे। सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, WH लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, इसके बाद अदर वर्ड यूज होगा। आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, WH वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट, नॉट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद इंट्रोगेटिव साइन देंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हाउ इज ही नॉट अ ब्रेव बॉय, देख सकते हैं WH वर्ड है हाउ, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट है और इसके बाद नॉट है। अक्सर यहाँ पर भी स्टूडेंट मिस करते हैं, नॉट जब यूज करना होता है तो या तो नॉट इधर यूज कर देते हैं या कहीं और यूज करते हैं, या जो WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट यूज कर देते हैं। तो इस प्रकार की गलती आप नहीं करेंगे और ऐसी गलती ना हो, इसीलिए हमने लेकर के आया है सेंटेंस के फॉर्म पहले पढ़ा दिया, ताकि आपको जब हम टेंस पढ़ाएं या और किसी भी प्रकार का सेंटेंस बना पढ़ाएं तो 6 फॉर्म आसानी से आप बना सकते हैं। ये एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, WH वर्ड है, एक्जुलरी वर्ब है, यू है, नॉट है, टेकन ब्रेकफास्ट, WH अदर वर्ड हो गया। आप देख सकते हैं व्हाई हैव यू नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, इसका हिंदी होगा कि आपने आपने नाश्ता क्यों नहीं किया है, आपने नाश्ता क्यों नहीं किया है, इसका हिंदी हो जाएगा वह एक बहादुर लड़का कैसे नहीं है। तो यहाँ पर कैसे और नहीं, क्यों और नहीं, ये दो वर्ड जब आते हैं, यानी WH वर्ड वाले सेंटेंस जब कभी भी आएंगे तो सबसे पहले हम WH वर्ड को ही लिखते हैं। तो आज के क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश किया कि जो सेंटेंस के फॉर्म होते हैं, 6 फॉर्म होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन और WH प्लस नेगेटिव क्वेश्चन। इसके बारे में हमने बार बार इसके बारे में आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि बहुत से स्टूडेंट को सेंटेंस बनाने में, ट्रांसलेट करने में कई प्रकार की कठिनाई फील होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे पहले मैं कर देना चाहता था, इसीलिए ये छोटा सा वीडियो मैंने नए चैप्टर शुरू करने के पहले लेकर आया हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाने वाला हूँ, और टेंस बड़े ही ग्रामर का मज़ेदार चैप्टर है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगले वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार करेंगे। आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।